दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इसको यहाँ से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए 15 मई 2019 तक की 8 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके हैं। ऑल इंडिया के फॉर्म है, मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे कि किन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये भर्तियां निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या इन भर्तियों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्या आवेदन शुल्क आपको इन भर्तियों के लिए जमा करना होगा या फिर नहीं करना होगा, कैसे आप इनकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सभी भर्तियों की अप्लाई करने की अंतिम तिथि 15 मई 2019 है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे, पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं 15 मई 2019 तक की 8 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, 8 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये भर्तियां निकली है, सभी की लास्ट डेट 15 मई 2019 है। कुछ भर्तियों के लिए आपको एग्जाम भी नहीं देना होगा और कुछ भर्तियों के लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। फर्स्ट नंबर की जो जॉब निकली है वो निकली है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड में, पोस्ट है पेशेंट केयर मैनेजर की। यहाँ पर 10 खाली पद है। सैलरी 30,000 रुपये पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। इस भर्ती के लिए BSC अप्लाई कर सकते हैं। 40 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। डेली जॉब लोकेशन है इंडिया में, आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो। आवेदन शुल्क जनरल या OBC के लिए 500 रुपये है, SC ST PH के लिए 250 रुपये है, जो कि आप डिमांड ड्राफ्ट से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा बिना किसी एग्जाम के, डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। BECIL.com ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट रिसोर्स लिंक यहाँ पर भी दिया गया है। आवेदन फॉर्म भरने के बाद में सेंड करने की अंतिम तिथि 15 मई 2019 है। ऑफिशियल एड्रेस के अंतर्गत आपको इसका एड्रेस दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन से आप इसका एड्रेस चेक कर सकते हो। सेकेंड नंबर की जॉब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंतर्गत निकली है। ट्रेड अप्रेंटिस के 561 पद खाली है। पे स्केल अप्रेंटिस एक्ट 1961 के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। ITI अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात आयु सीमा की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन रूल के हिसाब से तय की जाएगी। जॉब लोकेशन नासिक महाराष्ट्र है इंडिया में, आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो। प्लस अप्लाई शुल्क भी आपको जमा नहीं करना होगा, ना ही कोई एग्जाम और ना ही कोई इंटरव्यू देना होगा। मेरिट के आधार पर सीधा चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। hal-india.co.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी से आप 15 मई 2019 तक डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पंडित भागवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक में, पोस्ट है इसमें ग्रुप सी की। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप सी के अंतर्गत स्टाफ नर्स, क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टोर कीपर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी अटेंडेंट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की यहाँ पर पोस्ट है। 976 पद खाली है। सैलरी की वही बात की जाए तो स्टाफ नर्स लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 9,300 से 34,800 है। जो बाकी की पोस्ट है उनके लिए 5,200 से 20,200 है। 10वीं-12वीं ग्रेजुएट BSc डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष है। रोहतक हरियाणा जॉब लोकेशन है इंडिया में, आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो। जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपये अप्लाई शुल्क है और फीमेल के लिए 300। रिजर्व कैटेगरी जो हरियाणा स्टेट के हैं आप पर देख सकते हो, जो मेल है 150 है और फीमेल के लिए 75 रुपये है। रिटर्न स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। PGIMS Rohtak.NIC.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसी से आप 15 मई 2019 तक अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक सर्विस कमीशन में, असिस्टेंट प्रोफेसर के 262 पद खाली है। सैलरी 15,600 से 39,100 है, प्लस ग्रेड पे 6,600 रुपये है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा मैक्सिमम 30 वर्ष है। आयु की गणना 1 अगस्त 2019 से की जाएगी। झारखंड जॉब लोकेशन है इंडिया में, आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो। जनरल या OBC या EWS के लिए 600 रुपये अप्लाई शुल्क है। SC ST के लिए 150, जो कि आप SBI बैंक के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। JPSC.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी से आप 15 मई 2019 तक अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। फीस पेमेंट की ऑनलाइन तरीके से लास्ट डेट 16 मई है। हार्ड कॉपी सेंड करने की लास्ट डेट 14 मई 2019 है।
उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, क्लर्क के यहाँ पर 198 पद खाली है, सैलरी 19,900 से 63,200 है। लेवल 2 के अंतर्गत ग्रेजुएट डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 50 वर्ष आयु सीमा है। कुरुक्षेत्र हरियाणा जॉब लोकेशन है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो। जनरल या अदर स्टेट के लिए 1200 रुपये अप्लाई शुल्क है। फीमेल जनरल हरियाणा के लिए 600 रुपये है। रिजर्व कैटेगरी जो हरियाणा के हैं उनके लिए 300 रुपये है। शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा टाइप टेस्ट कंप्यूटर ओनली, कंप्यूटर अप्रेंसिस एंड एप्लीकेशन टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और एकेडमिक क्वालिफिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। KUK.ac.in इस पोर्टल से आप डायरेक्टली 15 मई 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 6 नंबर की जॉब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंतर्गत ही निकली है। इसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डिप्लोमा अप्रेंटिस के 240 पद खाली है। सेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 4,984 है और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 3,542 है। डिप्लोमा और बीबी टैग होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। आयु की जानकारी ऑर्गेनाइजेशन रूल के हिसाब से तय की जाएगी। नासिक महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो। प्लस अप्लाई शुल्क भी आपको जमा नहीं करना होगा और ना ही कोई एग्जाम और ना ही कोई इंटरव्यू देना होगा। मेरिट के आधार पर सीधा चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। MHRDNETS.gov.in इस पोर्टल से आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म सबमिट कर सकते हो। 15 मई 2019 ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि है। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकले इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। पोस्ट है सपोर्टिंग स्टाफ और सीनियर रिसर्च फेलो की। वेरियस पद यहाँ पर खाली है। सपोर्टिंग स्टाफ के लिए 13,500 सैलरी है और सीनियर रिसर्च फेलो के लिए 25,000 रुपये सैलरी है। सपोर्टिंग स्टाफ के लिए 10वीं क्लास पास अप्लाई कर सकते हो। सीनियर रिसर्च फेलो के लिए पोस्ट ग्रेजुएट 18 से 35 वर्ष आयु सीमा है। आयु की गणना 15 मई से की जाएगी। न्यू डेली जॉब लोकेशन है। कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई शुल्क भी आपको जमा नहीं करना होगा और ना ही कोई एग्जाम देना होगा। इंटरव्यू से सिलेक्शन किया जाएगा। ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। IARI.res.in इस पोर्टल से आप इसकी बाकी की जानकारी चेक कर सकते हो। इस भर्ती के लिए आपको डायरेक्ट 15 मई 2019 को सुबह 10 बजे वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना होगा। उसके बाद दोस्तों जो 8 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में। पोस्ट है रिसर्च एसोसिएट्स और रिसर्च फेलो की। 30 यहाँ पर खाली पद है। सैलरी रिसर्च एसोसिएट के लिए 47,000 है और रिसर्च फेलो के लिए 31,000। PhD और पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 28 और 35 वर्ष है। एजोन 15 मई 2019 के अंतर्गत जॉब लोकेशन पुणे महाराष्ट्र है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई शुल्क भी आपको जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। TROPMET.RES.IN इस पोर्टल से आप 15 मई 2019 तक डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी 15 मई 2019 तक की 8 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारी इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी लिंक यहाँ पर दिया गया है। जिस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा उसी के नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा और जिस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा उसी के नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। आप सिंपली इसे किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।